जावेद भाई सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सीएबी का सच क्या है। देखिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल है जो 1955 में बना था, लंबे समय से कई बार उसमें जो है सुधार हुए हैं, कई बार उसमें परिवर्तन हुए हैं। एक परिवर्तन यह भी है, इस परिवर्तन में केवल इतना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग जो वहाँ लंबे समय से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको नागरिकता देने में जो समय सीमा 11 साल थी उसको घटा के 6 साल कर दिया गया है। इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्यों बार बार लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों का विरोध कर रही है? देखिए जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक के बाद एक विवादास्पद चीज़ों को, मसलों को हल करने का प्रयास किया है, लगातार हल कर रही है, उससे विपक्ष के लोग बौखला गए हैं। उनके पास अपना वजूद बचाने का संकट है, परिवार बचाने का संकट है। सोनिया जी को राहुल और प्रियंका का भविष्य खतरे में दिख रहा है, मुलायम सिंह जी को अखिलेश का भविष्य खतरे में दिख रहा है। तो ये लोग परिवार के जो राजनीति करने वाले लोग हैं इनके लिए अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये लोग और कोई मजहब के लोग और कोई जात के लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनकी बातों को। तो मुसलमान जो कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता है, अगर वो पढ़ना शुरू कर दे और इस एक्ट को पढ़ करके बात करें तो शायद ये मसले का हल हो जाएगा। कहाँ डर लगता है मुसलमानों को? डर लगता नहीं है, डराया जा रहा है। मुसलमान बेखौफ होकर इस देश में रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, 72 साल आजादी को हो गया, किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। इवन हम कहते हैं आज जो मुसलमान जो इस एक्ट में है कि पाकिस्तान के मुसलमान या अफगानिस्तान के मुसलमान या बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए 6 साल न करके वो पहले का नियम 11 साल वाला है, तो आप इतने दर्द में क्यों आ रहे हैं? आज पाकिस्तान के अंदर जो 72 साल पहले हिंदुस्तान के मुसलमान वहां गए, आज भी कैसी जिंदगी जी रहे हैं? आज भी वो मुहाजिर कहे जाते हैं और तकलीफ में रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ दोहरा सलूक होता है, लेकिन वहां के मुसलमानों के लिए हमारे मन में क्यों इतना दर्द उमड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो विपक्ष कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मुसलमानों की राजनीति भी कर रहा है? विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। हमारे मजहब के लोगों की ये विडंबना है, मैं 3.5-4 साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर ग्रुप में काम कर रहा हूँ और हमने ये महसूस किया है कि हमारे कौम के लोग पढ़ करके मजहब को या चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो सुन करके समझते हैं, वो कुरान शरीफ को भी नहीं पढ़ के समझना चाहते, वह मौलाना की तकरीर सुन करके मजहब को समझना चाहते हैं और करते भी हैं। तो सुनने के में और पढ़ने में फर्क पड़ेगा, आप तथ्यों को पढ़िए और उसको समझिए और तब बहस करिए। एक होता है कि फला ने कहा है, फला कहा है तो ठीक ही कहा होगा, उस पर लपट जाना, यह गलत हो रहा है। आप सुनी सुनाई बातों पे भ्रम फैला करके अफवाह के सहारे आप जो आगे बढ़ रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये मेरा विरोध है। आप लंबे अवधि से विद्यार्थी परिषद, संघ और अब बीजेपी की मेन बॉडी और सरकार के भी कहीं ना कहीं एक हिस्सेदार माने जाएंगे, कितना लगता है कि भाजपा मुसलमान विरोधी है? भाजपा मुसलमान विरोधी नहीं है, भाजपा ने कहा हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। आज सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग कम्युनल कहलाएंगे और संसाधनों पर पहला हाथ मुसलमानों का ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ऐसे लोग सेकुलर कहलाएंगे। हम कॉमन सिविल कोड की बात करें तो कम्युनल हैं और वो पर्सनल लॉ की वकालत करें तो वो सेकुलर हैं। मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है। आप और आपका परिवार काफी पढ़ा लिखा है इस इलाके में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा माइनस करती है मुसलमानों को? नहीं, शिक्षा का दिक्कत तो है ही है और प्रयास जारी है, पढ़ाई लिखाई का माहौल बदला है, पहले से लोग पढ़ना शुरू किए हैं, लेकिन भड़काने वाले, अफवाह फैलाने वाले, उनको बरगलाने वालों की तादाद लंबी है और ये सारे दल मिल गए हैं कि इस मोदी सरकार ने जिस तरीके से मुसलमानों के भी स्वास्थ्य की चिंता की है, उनके शिक्षा की चिंता की है, उनको भी आवास मिले हैं, उनको भी शौचालय मिले हैं, उनको भी गैस कनेक्शन मिले हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो गारंटी देता हूँ आबादी के हिसाब से मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिला है कि नहीं मिला है हिंदुओं के तुलना में, ये भी देख लें एक बार जो है। तो कहीं भेदभाव नहीं है, सड़कें बन रही हैं दोनों के काम की हैं, बिजली मिल रही है दोनों को मिल रही है, ट्रेनें में सुधार हो रहा है, पटरियाँ बन रही हैं, डबल लाइन बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक लाइन बन रही है, सबको मिलेगा। पहला हक तो किसी को नहीं है, सबको बराबरी का है। बराबरी की बात करने वाले कम्युनल
और एक तरफा बात करने वाले सेकुलर, ये मुझे भी नहीं समझ में आता। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कुरान शरीफ को पढ़ते कम है, सुनते ज्यादा है। कभी मौलाना सुना देते हैं, कभी लोग सुना देते हैं, वो पढ़ कर अगर बात करें तो हमारे देश के मुसलमानों की दशा और दिशा कुछ और हो जाए। आज मोदी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से मुसलमानों से लेकर के सबका विकास किया है, सबका साथ सबका विकास के रूप में काम किया है, आज विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। एक के बाद एक लगातार जितने हिंदुस्तान के विवादास्पद मुद्दे थे, धीरे धीरे सबका अंत हो रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास कुछ भी बचा नहीं है कि करे तो क्या करे, और इस कौम को, हमारी कौम को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको भ्रम में ला रहे हैं। जबकि इस कानून का, जिसका वे विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको नागरिकता देने का है। जो 11 साल में मिलती थी वो 6 साल में मिलेगी, ऐसा प्रावधान है। अगर वहां का मुसलमान या बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का, वो नागरिकता लेना चाहता है तो पहले की तरह, जैसा हमेशा मिलता आया है, आगे भी मिलेगा 11 साल के बाद, उसी प्रक्रिया से मिलता रहेगा। फिर भ्रम कहाँ है, कहाँ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग ऐलान कर रखे हैं कि आज जुमे की नमाज के बाद वो सड़कों पे उतरेंगे और विरोध करेंगे, जिसको लेकर ये लॉ एंड ऑर्डर खतरे में दिख रहा है। देख, कल जो विरोध हुआ है, इसमें शहर के लोग बहुत कम थे, बाहर के लोग आए थे। ये बनारस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दिखाना चाहते हैं कि बनारस में डिस्टर्बेंस है। बनारस के बड़े तबके के लोग जो बनारस को लीड करते हैं यहाँ पे, उनका इस कल के उसमें कोई हाथ नहीं था। आज प्रिंट मीडिया आपके माध्यम से आया है कि सारे बाहर के लोग आए हुए थे, ये डिस्टर्ब करने की चाल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात की मुसलमानों से अपील करते हैं कि पहले तथ्यों को जाने, समझें, पढ़ें। सीएबी जो सीए हो चुका है, एक्ट बन चुका है, ये है क्या, इसमें भारतीय मुसलमान कोई लेना देना नहीं है। जिस मुसलमानों के लिए आज हम आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, वह उस देश के मुसलमान हमें कभी नहीं अपनाए। 72 साल से जो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान गए, वो आज भी मुहाजिर कहलाते हैं, और आज भी इस हिंदुस्तान का मुसलमान अगर पाकिस्तान जाएगा तो इमरान खान का बयान हम किसी मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हम उन मुसलमानों की चिंता क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हम भारतीय मुसलमान सुरक्षित है, एक मुसलमान इस हिंदुस्तान से कहीं नहीं जाने वाला।